अस्सलाम एवरीवन, सो दिस इज़ मी सीनियर गोल डायरेक्टर निमरा फ्रॉम मल्टीप्लम पाकिस्तान। लास्ट टाइम मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई थी ई कैटलॉग के हवाले से, आज भी हम उसका मज़ीद आगे जानेंगे वेबसाइट को लेकर। आपने वेबसाइट पे लॉगिन करना है जैसे मैंने किया है। लॉगिन करने के बाद आपने माई बिज़नेस पे जाना है। माई बिज़नेस पे जाने के बाद आपके पास जो है बिज़नेस टूल्स का ऑप्शन आएगा। देन बिज़नेस टूल्स पे जाने के बाद आपने शेयर एंड अर्न पे चले जाना है। शेयर एंड अर्न पे जाकर जैसे मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में जो सिखाया वैसे ही ऑलमोस्ट प्रोसीजर होगा, लेकिन हम दोबारा से एक बार इस मेथड से भी देख लेते हैं वो प्रोसीजर कैसे होता है। सो यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका पर्सनल एक कस्टमर्स के लिए लिंक है। ये सिर्फ आपका अपना लिंक है, ये ओरिफ्लेम के अदर किसी मेंबर का लिंक नहीं होगा। सबकी एक यूनिक आईडी यहाँ पे दी गई है। जैसे ओरिफ्लेम में जब हम रजिस्टर्ड होते हैं हमारा एक ब्रांड पार्टनर नंबर होता है, इसी तरह ये वाला भी एक हमारी एक यूनिक आईडी है जो सिर्फ हमारे कस्टमर्स को हमने देनी है। वो जो भी हमारे लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर करेगा वो हम ही हमारा ही होगा, ठीक है। तो आपने अपनी यूनिक आईडी यूज़ करनी। यहाँ से आपने अपनी कस्टमर को लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना जिस भी कस्टमर को सेंड करना है। जैसे मैं समझे यहाँ पे हम अपने कस्टमर को अपना लिंक शेयर करें, जैसे मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, साथ जो भी लाइनें लिखनी है हाउ टू प्लेस ऑर्डर की गाइडलाइंस लिखनी है वो लिख दें। इस तरह से आपने अपने कस्टमर को जो है वो लिंक शेयर कर देना है। इसके बाद आपकी कस्टमर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगी और कुछ इस तरह का उसको स्क्रीन शो होगी, जिस तरह से ई कैटलॉग हमें पहले शो हुई वैसे ही। ये देखें, यहाँ पे कस्टमर ई कैटलॉग को अच्छे से देखेगी, वीडियो शो होंगी, हर चीज़ को लेकर चल रही होगी, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट अपनी मनपसंद यहाँ से चूज़ करेंगी कैटलॉग के अंदर से, ठीक है। मैं आपको करके भी अभी दिखाती हूँ। वो अपनी क्वांटिटीज़ को चूज़ करके ज़्यादा कम करके जो है वो ऐडअप करेंगी। ऐडअप सबको पता है कैसे होना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो जो छोटी सी बास्केट सी बनी है हर प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन कलर की, उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट आपकी कार्ट में ऐड होगी। और आई का जो बटन है वो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा। ये देखें, यहाँ पे ऊपर कार्ट पे उसने शॉपिंग बैग पे अपने क्लिक किया और यहाँ सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। क्वांटिटी इंक्रीज़ कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अलावा सेंड ऑर्डर टू ओरिफ्लेम मेंबर, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कस्टमर को एक रास्ता दे दिया है कि आपने अब यही चीज़ अपने कस्टमर जिस मेंबर से आपने ये लिंक लिया ऑर्डरिंग का उसी को सेंड कर देनी है। अब जब कस्टमर आपको ये लिंक भेजेंगी तो कुछ इस तरह से मैसेज जाएगा उन्हें, ठीक है। इस तरह से आपको आएगा मैसेज कस्टमर की तरफ से, ठीक है। इस तरह का एक मैसेज कस्टमर की तरफ से आपको रिसीव होगा जिसमें कस्टमर के तमाम ऑर्डर की डिटेल्स, प्रोडक्ट की डिटेल और ग्रैंड टोटल, डिलीवरी चार्जेस के बगैर है ये। आपने फिर उनको डिलीवरी चार्जेस के साथ और डेज वगैरह बता देने कब तक डिलीवर होगा। और सेम वही प्रोसीजर जैसे हम पहले ऑर्डर करते थे वैसे ही ओरिफ्लेम ऐप से जाके कस्टमर का आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब चलते हैं अपने वीडियो के पार्ट टू में। ये बहुत यूनिक है। पहले वाला जो मैंने आपको चीज़ बताई वो थोड़ी हमने पहले भी देख ली हुई थी, कहीं ना कहीं पता थी। अब जो चीज़ बताने जा रही हूँ डैट इज़ वेरी वेरी न्यू, ठीक है। आपके पास ऊपर हॉरिजॉन्टल में कुछ लाइंस बनी आ रही हैं, तीन लाइंस, ठीक है। वो देखें, बास्केट के साथ तीन लाइंस बनी आ रही हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा है। ये शेयर उस केस में आपने यूज़ करना है जब कस्टमर बोले कि मुझे सिर्फ एक पेज ये वाला सेंड कर दें, या ये फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मुझे शुगर स्क्रब की प्राइस देखनी है। तो आपने जहाँ पे भी शुगर स्क्रब जिस पेज नंबर पे है वो पेज खोल के उसको शेयर कर देना है उसके इनबॉक्स में। इससे क्या होगा, कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ वही पेज ओपन होगा जो आप उसके साथ शेयर करोगी, पूरी ई कैटलॉग उसके पास नहीं जाएगी। अब एक और सिचुएशन देख लेते हैं। अगर आपकी कस्टमर कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाएं, पूरी ई कैटलॉग उसको नहीं आप भेजेंगे, तो आपने बिल्ड योर फ्लिप बुक पे क्लिक करना है जो इसके नीचे ही शेयर के लिखा आ रहा होगा, और यहाँ से सिर्फ मेकअप वाले पेजेस को सेलेक्ट करके एक मिनी कैटलॉग जिसे कहते हैं वो बना लेना है कुछ ही पेजेस की, और उनके साथ फ्लिप बुक को शेयर कर देना जो भी पेजेस आप ऐडअप करेंगे मेकअप के। और इससे क्या होगा, कस्टमर को पूरी ई कैटलॉग शेयर नहीं होगी, इससे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पास जो हम खुद मिनी कैटलॉग या ब्यूटी स्टोर उसे बना कर देंगे उसकी पसंद की चीज़ों का जो वो चाहती थी देखना, तो वो उसके साथ लिंक शेयर कर देंगे उसके व्हाट्सएप पे। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया पूरी ई कैटलॉग कैसे शेयर करनी है, फिर सिंगल पेज कैसे शेयर करना है, फिर अगर कस्टमर को सिर्फ एक स्किन केयर कैटेगरी या मेकअप कैटेगरी देखनी है वो कैसे शेयर करनी है। तो आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो है वो बहुत सी चीज़ें कमाल होने जा रही हैं। इस तरह से कस्टमर फिर उस लिंक पे क्लिक करेगी और उसके पास सिर्फ इस तरह से आपकी छोटी सी ई बुक या ई कैटलॉग मिनी कैटलॉग ओपन हो जाएगी जिसे फ्लिप बुक का नाम ओरिफ्लेम ने दिया है।
राइट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड जो है वो प्रैक्टिस करें आप लोग और अपने कस्टमर्स को कैसे जो है वो ये उनको सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट्स, इस पर वीडियो बना कर दें ताकि उन्हें ये सिस्टम भी यूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी और जो है वो अपने अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स कलेक्ट करके अपने अपने पॉइंट्स को जनरेट करें। सो या थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।